आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज एमबी स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बोल्ट्जमैन थ्योरम। और मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि उसमें पार्टिकल को आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल लेके चले थे, पार्टिकल की टैगिंग कर दी थी कि फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल है, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सेल में आ सकते कोई कंडीशन नहीं थी। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू टाइप, बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या एमबी स्टैटिस्टिक्स कह लो, क्वांटम बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। जो बोज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, एस एन बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। जब उन्होंने अपना पेपर फॉर द पब्लिकेशन सेंड किया तो जो हमारी इंग्लिश थी इंडियंस की वो पुअर थी, तो इनका ये पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या हुआ, जो एडिटर था उन्होंने इसको रिसबमिट रिव्यू करने के लिए कहा, बार फिर दोबारा भेजा, दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा। उसके बाद जो उस टाइम जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका बहुत नाम था, कहते हैं कि किसी के नाम से भी पेपर छपते हैं, तो उन्होंने अपना पेपर आइंस्टीन के पास भेज दिया फॉर रिव्यू। तो एस एन बोस, उसके बाद बोस, उन्होंने उस पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं की, बस उन्हें बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स लगाई, पेपर पब्लिकेशन के लिए भेजा और वो एक्सेप्ट हो गया। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, द मेन डिफरेंस इन थ्री स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट जो है पार्टिकल के बेसिस पे, पार्टिकल्स पार्टिकल के बेसिस पे, इन क्लासिकल और एमबी स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, इन बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल। साइज ऑफ द फेज सेल साइज ऑफ द फेज स्पेस सेल कैन बी स्मॉल एज वी रिक्वायर्ड इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, बट इन बोस एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स साइज ऑफ द फेज स्पेस सेल कैन नॉट बी लेस देन एच क्यू, वेर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ सेल्स एन आई बी द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड जी आई नंबर ऑफ द सेल्स, देन जी आई ग्रेटर देन एन आई जी, क्योंकि जो साइज है सेल्स के उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितना भी छोटा हो सकता है। तो जी आई ग्रेटर देन एन आई, नंबर ऑफ सेल्स कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, नंबर ऑफ सेल्स इज लेस देन और कंपेरेबल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, एन आई ग्रेटर देन जी आई आइदर इक्वल टू वन या ग्रेटर देन, तो एन आई ग्रेटर देन जी आई। नंबर ऑफ सेल्स हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, जी आई ग्रेटर देन या इक्वल टू एन आई, क्योंकि फर्मी डिराक में तो क्या है, स्पिन लॉ फॉलो, स्पिन फॉलो होगा, या तो किसी उसमें एक 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 सेल में एक पार्टिकल आएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिकल्स, नो रिस्ट्रिक्शन, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सेल में जा सकते हैं, ना ही बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में रिस्ट्रिक्शन है, पर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि नंबर सेम स्पिन सेल पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम सेल, टोटल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल एंड कैन बी अरेंज्ड इन फोर वेज,
अगर क्लासिकल या एमबी स्टैटिस्टिक्स में हम टू पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसमें क्या पहले हम इस चीज प्रॉब्लम को इसको सॉल्व कर चुके हैं. द पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल एंड कैन बी अरेंज इन फोर वे. द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड कैन बी अरेंज इन थ्री वे. अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो वो थ्री वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. और पार्टिकल अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स नो पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई द सेम सेल हैंस ओनली वन अरेंजमेंट. अगर उनकी स्पिन सेम है तो वो सेम सेल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. बेसिक अप्रोच इन थ्री स्टैटिस्टिक्स. बेसिक अप्रोच इन थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एमबी बोज आइंस्टीन फॉर्मूला इज एसेंशियली सेम. जो बेसिक अप्रोच जो पॉस्टुलेट है तीनों में सेम है. ड्यू टू डिफरेंट अजम्पशंस व्हेन द सेम अप्रोच इज अप्लाइड टू ए सिस्टम द डिफरेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन. फर्स्ट पॉस्टुलेट की सिस्टम चाहे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हम या फिर एमबी स्टैटिस्टिक्स या फिर बी स्टैटिस्टिक्स सिस्टम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. तो फर्स्ट अप्रोच क्या है हमारी कि सिस्टम हमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना होगा. वी सर्च फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम इन ए डायनामिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल. There are very large number of macrostate. When the system is in equilibrium, then it exists only in the most probable state. From the assumption of a given kind of statistics, we calculate thermodynamical probability for a given macrostate. जो most probable state है उसके लिए हम thermodynamical probability निकालेंगे. वो हमारी most उसके लिए फिर W most probable state W must be maximum. और मैक्सिमम का जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी एल एन डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगा. कौन लॉगरिथम टर्म में डील कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि लॉगरिथम में जो सीरीज का प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं थर्मोडायनामिकल स्टेट्स हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बड़ी इक्वेशन आएगी. उसको लॉग के फॉर्म में लेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगी. इन एनी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गिवन एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग टोटल एनर्जी म्यू द क्वांटिटी एन एंड यू रिमेंस कॉन्स्टेंट. दूसरी अजम्पशन क्या थी सभी स्टैटिस्टिक्स के लिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कॉन्स्टेंट रहेंगी. लेट अस सपोज जो एनर्जी यू है उसको के इंटरवल में डिवाइड कर दिया फ्रॉम यू टू के इन लार्ज नंबर ऑफ के इंटरवल नंबर्ड एज वन टू थ्री के और एन वन एन टू एन थ्री अप टू एन के रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी पर्टिकुलर एनर्जी. यू वन फर्स्ट एनर्जी इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. यू एन टू सेकेंड एनर्जी इंटर यू टू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल इक्विलिब्रियम स्टेट. एंड मीन एनर्जी पार्टिकल द इंटरवल बी यू वन यू टू यू डैश रिस्पेक्टिवली. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अप टू एन के इज इक्वल टू एन हो जाएगा. इसको हम एन आई समेशन एन आई और आई की वैल्यू वन टू के एन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. सिमिलरली हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे यू टोटल क्या हो जाएगा यू आई एन आई समेशन ओवर यू आई एन आई आई की वैल्यू वन टू के और यू कॉन्स्टेंट है तो उसका डी यू जीरो हो गया. यहाँ से दो इक्वेशन आ गई. अब इन तीनों इक्वेशन को हमें एक इक्वेशन कि मस्ट सेटिस्फाई ए सिंगल इक्वेशन. द थ्री इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई बाय द सिस्टम रिस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ स्टैटिक्स टू बी अप्लाइड.
चाहे कोई भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करो, ये जो तीनों इक्वेशन है वो हर एक या फर्मी डिराक हो, बॉज आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो या एमबी स्टैटिस्टिक्स हो, तीनों को सेटिस्फाई कर इक्वली एप्लीकेबल है। तो इन तीनों इक्वेशन को हम एक इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तीनों को अलग अलग डिस्कस करने की बजाय एक में कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को अल्फा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन थर्ड को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन फर्स्ट है डी एल एन डब्लू, उसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी डी एल एन डब्लू माइनस अल्फा समेशन डी एन आई ओवर आई माइनस बीटा समेशन यू आई डी एन आई आई की वैल्यू वन टू के इक्वल टू ज़ीरो, और अल्फा और बीटा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के जो दोनों सेकंड पार्ट है उसको राइट हैंड साइड ले गए, तो डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा समेशन डी एन आई प्लस बीटा समेशन यू आई डी एन आई हो गया। ये जीरो नहीं आएगा, अब जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। तो ऐसे डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन अल्फा बीटा यू आई इंटू डी एन आई हो गया। इक्वेशन 3.65 में ये जो इक्वल टू जीरो वो नहीं आएगा अब, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है उसके लास्ट के दोनों पार्ट को हम राइट हैंड साइड ले गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर गिवन काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दिस इज बेसिक इक्वेशन विच इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिक इक्वेशन है जो सभी काइंड की स्टैटिस्टिक्स में यूज होगी।